HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पश्चिमी देशों को विकसित कहा जाता है। माना जाता है कि वहाँ काफी हद तक स्त्री को आजादी मिली हुई है और वे पुरुषों के बराबर है, लेकिन उन्हीं पश्चिमी देशों में एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो नारीवाद यानी फेमिनिज्म को व्यर्थ मानते हैं। कई लोग तो एक कदम आगे बढ़कर इसे बीमारी की तरह देखते हैं। अमेरिकी फेमिनिस्ट और फैटिक एक्सेप्टेंस मूवमेंट की एक्टिविस्ट लिंडसे वेस्ट के खिलाफ किए जाने वाले कमेंट्स से पुरुषों की मानसिकता को समझा जा सकता है। ये हैं लिंडसे वेस्ट। लिंडसे वेस्ट अमेरिकन राइटर हैं। वे स्त्री के अधिकारों की बात करती हैं। वे चाहती हैं कि स्त्री को पुरुषों के बनाए पैमाने पर न आंका जाए, फिर चाहे वह पैमाना सुंदरता का ही क्या न हो। इसीलिए लिंडसे फैट एक्सेप्टेंस मूवमेंट चलाती हैं। उनका कहना है कि स्त्री को अपने मोटापे और फिगर की चिंता करना छोड़ देना चाहिए। सुंदरता या आकर्षण बॉडी समेत किसी भी चीज पर निर्भर नहीं है। लिंडसे खुद भी ओवरवेट हैं। अपने विचारों के लिए उन्हें अक्सर आलोचनाओं और तीखी टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि लिंडसे के खुले विचारों और उनकी एक्टिविटीज को लिंडसे वेस्ट डिसीज का नाम दे दिया गया है। रिटर्न ऑफ किंग नामक मर्दवादी वेबसाइट पर तथाकथित लिंडसे वेस्ट डिसीज के लक्षण भी बताए गए हैं। इसमें कहा गया है कि यह बीमारी होते ही स्त्री का रंग रूप बदल जाता है और वह खूबसूरत से बदसूरत हो जाती है। इसके लक्षणों के बारे में बताया गया है कि यह बीमारी होते ही स्त्री अपने बाल बाउल कट करवा लेती है। इसके साथ ही वह बालों का रंग बदल कर लाल, ऑरेंज, हरा, जामुनी कुछ भी कर लेती है। धीरे धीरे उसका वजन बढ़ने लगता है, उसका खान पान बदलने लगता है, वे अनहेल्दी चीजें खाती है, उसके चश्मे के लेंस की मोटाई भी बढ़ने लगती है। इसके साथ ही इमगुर, रेडिट जैसी सोशल साइट्स पर महिलाओं की फोटो पोस्ट की जाती हैं। उन्हें फेमिनिज्म का शिकार बताया जाता है। पुरुषों की यह मानसिकता बताती है कि खुले और विकसित कहे जाने वाले पश्चिमी समाज में भी बहुत सारे लोग बंद दिमाग वाले हैं।